लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका सोलन का ऐतिहासिक शूलनी मेला, जिसका दिव्य परंपराओं के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने चौक बाजार के समीप पार्किंग में शूलनी माता का स्वागत एवं अभिनंदन किया, साथ ही शोभा यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने चौक बाजार में शूलनी देवी की पालकी पर पुष्प वर्षा कर एक बार फिर से उनका स्वागत किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शूलनी मेले की प्रदेशवासियों को बधाई दी और प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शूलनी मेला समूचे प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है और इस मेले से लोगों को भारी आस्था भी जुड़ी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेलों से हिमाचल की संस्कृति और परंपराएं जिंदा हैं। आपको बता दें कि शूलनी माँ सोलन वासियों की अधिष्ठित्री माता है और आज के दिन वे अपने मंदिर से निकलकर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा के माध्यम से शहर के मुख्य बाजार होते हुए अपनी बहन दुर्गा माँ को मिलने जाती है। इस दौरान शहरवासी ढोल नगाड़ों की थाप पर शूलनी माँ का स्वागत जगह जगह करते हैं और जगह जगह ही भंडारे भी लगाए जाते हैं। 3 दिन तक अपनी बहन के साथ रहती हैं। रविवार को वे बाजे गाजे के साथ फिर से अपने मंदिर में वापस आ जाएंगी। मेला हमारी संस्कृति को जोड़ने में, उसको आगे बढ़ाने में, जिंदा रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है और खास तौर से ये मेला सोलन में जो मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है और ये मेला बाकी मेलों की तुलना में बहुत अलग तरह का है। माँ शूलनी के प्रति यहाँ लोगों में बहुत बड़ी श्रद्धा है और लोग उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये मेला बहुत उत्साह के साथ जहाँ मनाया जा रहा है, वहाँ हमको आने वाले समय में जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हमारी धरोहर के रूप में इस प्रकार के जो मेले हैं, चाहे वो किसी भी जगह मनाए जाते हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाना पर्यटन की दृष्टि से भी आवश्यक है और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की दृष्टि से भी आवश्यक है और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि माँ शूलनी का ये मेला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज के इस अवसर पर मैं जहाँ पूरे प्रदेशवासियों को और सोलन वासियों को खास तौर से इस अवसर पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, वहाँ उम्मीद करता हूँ माँ शूलनी का आशीर्वाद पूरे प्रदेश पर, पूरे यहाँ सोलन के लोगों के प्रति हमेशा बना रहेगा